नवाज शरीफ आ रहे हैं, इस्तकबाल करने जाएंगे? कब आ रहे हैं? मीनारे पाकिस्तान का फुल क्राउड भर देंगे और हमारा यूथ विंग का जो एक अलग सेटअप बनेगा और इंशाल्लाह ताला आपको दिखाई देगा, इसी तरह ग्रीनरी में दिखाई देंगे लड़के हमारे दोस्त। बस फिर इमरान खान के लिए डूब मरने का मुकाम है, यही कह सकते हैं। मियां तेरे जान निसार, मियां जो दो आएगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापिस आ रहे हैं, तीन दफा का प्राइम मिनिस्टर वापिस आ रहा है, कोई 25 करोड़ अवाम में आप देखे तीन दफा प्राइम मिनिस्टर बना और वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। नाज़रीन एंट्री जो है वो अभी तक नहीं दी जा रही, तो इनसे बात करते हैं, कारकुनान से बात करते हैं, लड़कियों से बात करते हैं। एंट्री बंद क्यों यार, जाने में देर क्या करेंगे? सिक्योरिटी चेक हो रहा है, सिक्योरिटी चेक हो रही है, अभी जगह मिल जाएगी, कोई फिक्र की बात नहीं है। हम लोग नया गाना सुनने आए हैं, हमने नारे लगाने हैं नूनली के, हमें बैठने की कोई जरूरत नहीं है। नया गाना है, सिंगर कौन सा हायर किया कुछ पता चला? अभी सब कुछ रिवील नहीं करना। मैं आपको थोड़ा हिंट दे दूँ, सुना कि अताउल आईसा खेलवी जो है वो उन्होंने हायर किया, अगर वो हो तो कैसा तराना? बस फिर इमरान खान के लिए डूब मरने का मुकाम है, यही कह सकते हैं। इमरान खान के डूब मरने का मुकाम है, ख्वातीन को भी जो है वो एंट्री नहीं दी जा रही और लोग जा रहे हैं। आप बताएं जी, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी वर्दियाँ शर्दियाँ पहनी, नून लीग की एक्टिव नज़र आ रहे हैं जी। हम इंशाल्लाह ताला बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं, हम अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पुरजोश और जितनी जोशो जज्बे के साथ हम कर सकते हैं हम उतनी एफर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम अपने मीनारे पाकिस्तान का फुल क्राउड भर देंगे और हमारा यूथ विंग का जो एक अलग सेटअप बनेगा और इंशाल्लाह ताला आपको दिखाई देगा, इसी तरह ग्रीनरी में दिखाई देंगे लड़के हमारे दोस्त, हमारे यूथ के जो कोआर्डीनेटर्स हैं, जितने भी वार्ड कोआर्डीनेटर्स मैम हिना भट्ट ने बहुत ही एफर्ट की है हमें इंशाल्लाह ताला, और इनका अवार्ड इनको मिलेगा इंशाल्लाह। ये खवातीन के साथ क्या कर रहे हो, इनको अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे यार? इतनी सारी खवातीन को बुला के जो लड़के भी पीछे आ रहे हैं और इस वक्त जो है एंट्री नहीं दी जा रही, कम अज कम खवातीन को एंट्री तो दें यार, ये क्यों ज्यादती कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, खवातीन जो है खुद अंदर जाना शुरू हो गई हैं और अब जो है ये देख सकती हैं आपके किस तरीके से मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो किस तरीके से अंदर जा रहे हैं। खवातीन जो है वो बड़ी जज्बाती थी, वो बड़ी स्पीड में अंदर जा रही हैं, नारे लगा रहे हैं, मियां तेरे जान निसार, मियां जो दो आएगा। जी कौन, मरियम नवाज साहब? हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खूबसूरत दिन है, और तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी। नवाज शरीफ आ रहे हैं, इस्तकबाल करने जाएंगे? कब आ रहे हैं? 21 को आ रहे हैं ना? हाँ आ रहे हैं, हम इस्तकबाल ज़रूर करेंगे, बहुत अच्छे इंसान हैं। आप जाएंगे? जी जी ज़रूर, सारे जाएं। वो आपकी वो लड़कियों से बात करा रहे थे तो उनको खुद ही नहीं पता कि आज के दिन के हवाले से जो है वो क्या तकरीब है और मियाँ नवाज शरीफ किस दिन वापस आ रहे हैं। तो नाज़रीन ये इस तरह के वो कारकुनान भी बीच में आते हैं जो बिल्कुल वो क्रीम जो होती है वो पार्टी में कहा जाता है कि क्रीम कार, ये वो कारकुनान है, इनको इतना इन चीज़ों का नहीं पता। अब पता नहीं ये इस्तकबाल करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उस्मान आपको दिखाएगा कि लोग यहाँ पे इकट्ठे होते जा रहे हैं और मरियम नवाज के आने से पहले जो है यहाँ बड़ी गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। सुना है कि हमजा शहबाज भी आएंगे, शहबाज शरीफ भी यहाँ पर आएंगे और अपने कारकुनान का खून गरमाने के लिए वो ऐसी बातें करेंगे जिससे वो कल परसों का जो इवेंट है उसको बहुत ज़्यादा आवाम को लाने के लिए जो है वो प्लानिंग तश्कील दी जा रही है। वहाँ पे मीनार पाकिस्तान के पास इर्द गिर्द की जो पार्किंग के एरियाज़ हैं उनको डिसाइड किया जा रहा है कि जो दूसरे सूबों से लोग आएंगे। लेकिन यहाँ पे सब एंट्री जो है उन्होंने वो दे दी है मेरे ख्याल में कारखानान को। आए आपको लेके चलते हैं कि अभी तक की क्या सूरत हाल है। क्यों जी, क्या कहना चाहोगे? पहले तो यूथ जो है नून लीग के लिए निकलती नहीं थी, अब यूथ को एकदम क्या ऐसी लालच दी गई कि होंडे 125 तो नहीं दे दिए? नहीं जी, 125 हमने क्यों देने हैं? नहीं, 125 क्यों, ये यूथ कोई पैसों से बुलाई गई यूथ नहीं है, ये मियां नवाज शरीफ के लिए लोग निकले। अल्फीन जो है वो एतराज़ करते हैं कि ये बिरयानी खिलाते हैं तब बुलाते हैं, ऐसा कुछ होता है? अगर बिरयानी खिलाने से आते हो तो मेरी बात सुने, जो गुची की पैंटें और लोगों के मेरी बात सुने, आप उनकी रेबैन की एनएक्स देख रहे हैं तो वो मेरे ख्याल से बिरयानी की प्लेटों पर आने वाले लोग हैं। आप क्या कहेंगे कि जो यूथ है वो उसको जाग गई है इस वक्त जो है नून लीग की? अल्लाह के फजल के साथ मुस्लिम लीग नून की यूथ बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है और मेरे ख्याल के साथ जो यूथ है और वो मेरे ख्याल के साथ बहुत ही इंशाल्लाह ताला आपको पता चलेगा कि 1 अक्टूबर को होगा क्या। अच्छा, नवाज शरीफ वहाँ पहुँचेंगे तो कितनी आवाम, वैसे एक अंदाज़ा तुम्हारा क्या कहता है लाहौरिये हो ना जी, जी। बताओ कितने एक लोग वहाँ पे आ जाएंगे? देखिए जी, मेरे ख्याल से हमें 10 लाख का टारगेट दिया गया और 1 लाख लोग आ जाएंगे, 1 लाख लोगों का टारगेट हमें दिया गया है और इंशाल्लाह ताला ये अचीव हो जाएगा, ये इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, तीन दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर वापस आ रहा है, कोई मेरी बात सुने, कोई अहम शहमा सा लीडर नहीं आया, मेरी बात सुने, जिसको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है 25 करोड़ अवाम में आप देखे तीन दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना और वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, कोई और नहीं है। चले, चले,
बहुत शुक्रिया, हमारी दुआ है कि 10 लाख लोग जो आपकी तवक्को पूरी हो। नाज़रीन, आपने तमाम नून लीगों की बात सुनी, कन्वेंशन अभी चलने में कुछ देर टाइम है, तो जिस तरह मेरी बीबी आएंगी आपको और चीज़ों से भी आगाह करेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।